इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सारी पैनल लाइटें लगवाई गई। जी हां, हरदोई जिले के जयप्रकाश सांसद निधि द्वारा अटल ज्योति के माध्यम से सारी पैनल लाइट लगवाई गई। अजीत सिंह बब्बन जिला महामंत्री ने बताया, हमारी मोदी जी की जब से सरकार बनी है, हमारे जिन क्षेत्रों में लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उन क्षेत्रों में हम सारी पैनल लाइट अटल ज्योति के माध्यम से वहां पर उजाले की व्यवस्था कर रहे हैं। देखें मधुईपुर से शिवांशु सिंह की यह रिपोर्ट। सौर लाइट ये किस उद्देश्य और किस उसके द्वारा किस निधि द्वारा लगाई गई है? हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से लगातार जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है या जहां पर बिजली की समस्याएं हैं, वहां पर बिजली भी पहुंचाई जा रही है और सोलर लाइटें भी लगवाई जा रही हैं। हमारे हरदोई लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में अटल ज्योति के माध्यम से ये सोलर लाइटें लगवाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में बिजली की जहाँ पे समस्याएं हैं वहाँ पर सोलर के द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली की प्रकाश की व्यवस्था हो सके। मृतक के पुत्र ने डीएम को ज्ञापन देकर की मांग। जी हाँ, यूपी के महरौनी में मृतक सीएमओ ड्राइवर के पुत्र ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। कल सीएमओ ड्राइवर ललित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर महरौनी से विधायक व प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मन्नू कोरी पर 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था, जिसमें उनके पुत्र ने डीएम को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। अरे एक मिनट भैया, आप लोग किस चीज के प्रार्थना पत्र देने, क्या मांगे आप लोग, क्या आरोप? मेरे पिताजी ने 6 तारीख को रात में आत्महत्या कर ली है। उसके पहले उन लोगों ने मेरे पिताजी ने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनने बताया है कि मुझे एक दूधे गिर में फंसाया गया है, जिसमें आर्थिक और मानसिक रूप से वो अत्यंत प्रताड़ित हो चुके थे। उनने मतलब राज्य मंत्री बन्नू कोड़ी पर 20 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए। राजेंद्र सिंह यादव सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रबंधक ने उनका मकान हड़पा है और पप्पू आलू वाला ब्रिटिश खड़े मनोज तरभैया और जयंत सिंह परमार ने उन्हें काफी प्रचारित किया है, जिससे वो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें आत्महत्या देता एक कदम इतना गंदा कदम उठाना पड़ा। आज आपने क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी गई है, क्या आश्वासन मिला है? मैंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की है कि मतलब उक्त दूरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मतलब जो भी दूरी हो उसकी जांच की जाए और जो भी दूरी हो मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उससे संतुष्ट है क्या? नहीं, मजिस्ट्रेट जांच का तो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन प्रशासन कई बड़े पद वाले लोगों के इनमें नाम आ रहे हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच का इतना विश्वास नहीं है मुझे, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। किस चीज की मांग करते हैं, किस प्रकार से जांच होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं कि मेरे पिताजी ने जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं और उन लोगों के खिलाफ मतलब जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनको मतलब कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दी जाए। ब्राह्मण महासभा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ, यूपी के महरौनी में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने आज जिलाधिकारी ललितपुर को एक ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश व ललितपुर जनपद में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लगाया जाए, नहीं तो संगठन को विशाल धरना देने के लिए विवश होना पड़ेगा। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। माननीय जिलाधिकारी ललितपुर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ललितपुर में ब्राह्मणों को हो रहे उत्पीड़न के बारे में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री विनोद मिश्रा जी से। जी, मैं विनोद मिश्रा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इकाई ललितपुर। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है,
उस संदर्भ को लेकर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद हो, और जिस प्रकार ब्राह्मणों की हत्याएं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ये तत्काल प्रभाव से बंद हो और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। कासगंज में नहीं थम रहा बंदरों का आतंक। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर में आज बंदरों के आतंक से शहरवासी काफी परेशान एवं भयभीत हैं। अगर बंदरों का झुंड मिल जाए तो समझ लो कि पैदल चलने वालों की खैर नहीं। अक्सर देखने को मिला है कि कई दुर्घटनाएं बंदरों के कारण ऐसी घटित हुई हैं जो कि भयानक है। इसी कड़ी में आज पायल टॉकीज के पास ठंडी सड़क पर अशोक टेंट उद्योग के ऊपर रह रही पिंकी देवी को बंदरों ने छत पर रौंद दिया, जिससे पिंकी देवी के पैर की बिलिया टूट गई। पिंकी देवी को आनन फानन में नीलम हॉस्पिटल कासगंज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बंदरों का कुछ वर्ष पहले नगर पालिका द्वारा ठेका लिया गया था उनको बाहर छुड़वाने का, मगर सहज कागज पूर्ति कर नगर पालिका के द्वारा अनदेखी करना दुर्घटनाओं को दावत देने के बराबर है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। नाम है आपका? आपके पति का नाम? पत्रकार। आपके क्या क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं कपड़े धो रही थी, बंदर ने मुझ पर अटैक कर दिया। कितने सारे बंदर थे? कम से कम 20-25 थे। तो आप भागी वहाँ से? तो भागते मैं भागी थी, वहाँ गिर गई थी। डॉक्टर ने क्या बताया? ऑपरेशन होगा। बेमौसम बरसात से किसानों की कटी फसल हुई बर्बाद। जी हाँ, यूपी के ललितपुर जिले के तहसील महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छिल्ला में आज हुई बेमौसम बरसात, जिससे किसानों की कटी उर्दा की फसल खराब हो गई है। किसानों की फसलों का नुकसान होने से किसान दुखी हैं। इस महंगाई के जमाने में फसल बर्बाद होने पर कैसे भरण पोषण करेंगे किसान? देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम छिल्ला में हुई आज जोरदार बारिश, जिससे ग्रामीणों की फसलों को हुआ बहुत ही नुकसान। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि उनकी फसलों को क्या नुकसान हुआ। बताइए भैया, तुम्हारी फसल को क्या नुकसान हुआ? फसल कटी रही थी, पूरी गीली हो गई बारिश। और कितने परसेंट नुकसान हुआ? 60-70%। कितनी देर से बारिश हो रही थी? घंटा से, एक घंटे से बारिश हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।